आखिर क्यों विक्रम लैंडर को जहां लैंड किया गया था उस जगह से दूसरे जगह शिफ्ट किया गया और फिर से उसे दोबारा लैंड किया गया? क्या है इसके पीछे का राज? इसरो ने चंद्रयान 3 के साथ वो कर दिखाया है जो आज तक कोई भी देश ने नहीं किया। भारत चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला सबसे पहला देश बन चुका है, चांद के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश। लेकिन क्या आप जानते हैं प्रज्ञान रोवर के साथ चांद पर ऑक्सीजन, सल्फर जैसे बहुत से चीजों की खोज करी गई। चंद्रयान 3 के साथ क्या क्या नई चीजों की एक्सपेरिमेंट किया गया, उसके इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या डिस्कवरी किया गया, आइए जानते हैं। 23 अगस्त 2023, ये वो दिन था जब चंद्रयान 3 ने चांद पर सक्सेसफुली लैंड करी थी। 24 अगस्त 2023 प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से बाहर निकला और अपने मिशन को स्टार्ट किया। इसरो द्वारा इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से बाहर निकल रहा है और अपने मिशन को अंजाम देने के लिए वे आगे बढ़ रहे हैं। 24 अगस्त से 4 सितंबर तक लगभग 12 दिनों तक विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने अपने मिशन में कई सारी डिस्कवरी की, फिर इन्हें स्लीप मोड में डाल दिया गया। लेकिन उम्मीद करी जा रही है कि फिर से इसे जगाया जाएगा। इन 12 दिनों में आखिर क्या क्या ऑब्जर्वेशन किए गए? 27 अगस्त जब विक्रम लैंडर पर लगे चेस्ट इंस्ट्रूमेंट यानी कि चंद्रयान सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट ने अपनी पहली रेटिंग ली। इसका काम चांद पर टॉप सोयल पर टेम्परेचर को मेजर करना था, ये समझना कि चांद के साउथ पोल पर तापमान कितना है। चेस्ट पर प्रोब्स टेम्परेचर को मेजर करता है और प्रोब्स में 10 अलग अलग सेंसर लगे हुए हैं। ये टेम्परेचर का प्रोब्स चांद के सरफेस के 10 सेंटीमीटर नीचे तक जा सकता है और जब इस प्रोब्स को चांद के सरफेस के 8 सेंटीमीटर तक पहुँचाया गया तो चौंका देने वाली रिजल्ट सामने आई। इस ग्राफ को आप देखिए, ये ऑब्जर्वेशन किया गया कि चांद की मिट्टी के 1-1 सेंटीमीटर नीचे जाने पर 10 डिग्री सेल्सियस तक बदलता है। सरफेस पर 60 डिग्री था लेकिन जब 8 सेंटीमीटर नीचे गया तो उसका टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस तक चले गया था। इतना बड़ा टेम्परेचर डिफरेंस वाकई चौंका देने वाला है। 28 अगस्त लिविस लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट, लिविस जो सल्फर की उपस्थिति का पता लगाया। इसका काम है हाई एनर्जी लेजर पल्स का यूज करता है। एक लेजर डाली जाती है चांद की मिट्टी के छोटे से एरिया में, लेजर को डाली जाती है तो वो मिट्टी हाई टेम्परेचर के कारण प्लाज्मा में बदल जाता है और प्लाज्मा पदार्थ का चौथा स्टेट है, सॉलिड लिक्विड गैस और प्लाज्मा। प्लाज्मा से लाइट निकलती है और इस लाइट से निकलने वाले अलग अलग वेवलेंथ को मेजर करके ये इंस्ट्रूमेंट ये बताता है कि कौन कौन से एलिमेंट चांद की मिट्टी पर मौजूद है। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सल्फर, आयरन और क्रोमियम। लिविस में जो टेक्नोलॉजी है उसे ये भी पता लगाया है कि चांद में सल्फर, सिलिकॉन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को भी डिस्कवरी किया गया है। चांद में कोई भी एटमॉस्फेयर ना होने के कारण ऑक्सीजन चांद की मिट्टी और पत्थरों में मौजूद है जो अलग अलग एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड के रूप में एग्जिस्ट करता है। अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी कि एपीएक्स मून के सरफेस को स्टडी करने के लिए इसे यूज किया जाता है। एपेक्स में रेडियो एक्टिव मटेरियल का यूज करता है। एपेक्स में रेडियो एक्टिव मटेरियल पहले से ही मौजूद होता है जो सरफेस में अल्फा पार्टिकल और एक्सरे इमिट करता है और उस चीज से एपेक्स में लगे डिटेक्टर से ये डिटेक्ट किया जाता है और अलग अलग एलिमेंट्स का पता लगाया जाता है और ये डिटेक्ट किया जाता है कि इस सरफेस में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। रामभा रेडियो एनाटोमी ऑफ मून बॉन्ड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमोस्फियर, इसका काम भी लिविस की ही तरह है, प्लाज्मा को एनालाइज करना। ये नेचुरल प्लाज्मा को डिटेक्ट करता है और उसे मेजर करता है। ये 5 सेंटीमीटर का मेटेलिक स्पेरिकल प्रोब्स है जो विक्रम लैंडर के ऊपर लगा हुआ है। रामभा इंस्ट्रूमेंट का शेडो आप देख सकते हैं जो इसरो के द्वारा जारी किया हुआ है। इल्सा इल्सा का यूज मून पर होने वाले उथल पुथल को स्टडी करने के लिए लगाया गया था। वहाँ आने वाले भूकंप को स्टडी करने के लिए उसका यूज किया जाता है। जैसे कि आप इस ग्राफ को देख रहे हो, जब प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से नीचे उतरा था तो उससे होने वाले वाइब्रेशन को डिटेक्ट करके इल्सा ने कुछ इस तरह का ग्राफ तैयार किया था। और उसके बाद ये छोटी सी ग्राफ देख रहे हो, ये एक नेचुरल भूकंप है। इल्सा ने 26 अगस्त को नेचुरल भूकंप को डिटेक्ट किया था। आइए जानते हैं आखिर विक्रम लैंडर को दूसरे जगह शिफ्ट क्यों किया गया था, आखिर शिव शक्ति पॉइंट से उसे क्यों दूसरे जगह शिफ्ट किया गया। ये एक होप एक्सपेरिमेंट था ये देखने के लिए कि आखिर फ्यूचर में जो मून मिशन होंगे क्या वो फिर से थ्रस्टर को ऑन करके अर्थ तक लाया जा सकता है या नहीं। इस चीज को देखने के लिए साइंटिस्टों ने इस एक्सपेरिमेंट को किया था जो कि सक्सेसफुल रहा।